नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार की जो रामनवमी आई है वह कोई साधारण रामनवमी नहीं है, बहुत ही असाधारण रामनवमी है। क्योंकि दोस्तों, रामनवमी तो रामनवमी, साथ में मंगलवार का अति पावन दिन। अगर इस दिन हम कोई उपाय करें तो भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस कारण हमें इस दिन कुछ ऐसा उपाय करना है इससे आने वाली रामनवमी तक हमारे पास इतनी बरकत हो जाए कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी किस्मत बदलने वाली रामनवमी है दोस्तों। रामनवमी के दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पास ही किसी नदी तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना ना भूलें। दूसरा उपाय, प्रति 100-250 ग्राम गाय का कच्चा दूध इस दिन समीप के किसी कुएं या सरोवर में डाल दें। ध्यान रहे, ऐसा उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं। भगवान राम आपका ये कार्य पूरा जरूर करेंगे दोस्तों। 108 मनके की मंत्र सिद्धि, चैतन्य मूंगे की माला किसी शुभ मुहूर्त नक्षण वाले समय इस रामनवमी को धारण कर ले। दोस्तों, आपके धन में बरकत होने लगेगी। अगर आप संभव हो तो तांबे का एक कड़ा इस दिन दाहिनी कलाई में धारण कर ले। दोस्तों, बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है और इस दिन शहद और सिंदूर का घोल किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें, आपके सारे रुके काम बन जाएंगे। अगर एक छोटी सीसी संभव हो तो ले ले और शहद भरकर उसमें एकांत स्थान में जाकर गाड़ दें। दोस्तों, ये उपाय आपको भगवान श्री राम से सीधा एक तरह से देखे तो कनेक्ट कर देंगे और इसी के साथ ये आपको अगली रामनवमी तक करोड़पति से करोड़पति बना देंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।